आप देख रहे हैं उत्तराखंड का अपना यूट्यूब चैनल उत्तराखंड सनसनी। और अधिक खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर पहुंचाने के लिए पिछले कई सालों में गांव स्तर पर महिला समूहों का निर्माण करवाया गया। गठन से लेकर आज तक अपने पंचसूत्र का पालन करते हुए महिला समूहों को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। बावजूद इसके पचवाजून क्षेत्र में कुछ महिला समूहों को छोड़कर बाकी के महिला समूहों से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं के सामने आज अपने परिवार की रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। महिलाओं द्वारा इसकी शिकायत मुख्य विकास अधिकारी देहरादून से भी की गई है। डकरानी क्षेत्र की समूह से जुड़ी महिलाओं ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा NRLM के माध्यम से चलाई जा रही टेक होम राशन बांटने की योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ व महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग विकासनगर और ब्लॉक स्तर पर चलाए जा रहे कार्यों को अधिकारियों द्वारा परिवार के सामने रोजी रोटी के संकट से जूझ रही महिलाओं के समूहों को दरकिनार कर सरकार द्वारा चलाई जा रही नई योजनाओं को भी इन्हीं पुराने काम कर रहे समूहों को निरंतर दिया जा रहा है। बहरहाल पचवादून के समूहों से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं की मांग है कि सरकार को चाहिए कि उन तमाम नए कार्यों को जो सरकार द्वारा भविष्य में गांव स्तर पर कराए जाने हैं उनके समूहों को दिया जाए, जिससे इन समूहों के साथ जुड़कर काम करने वाली महिलाओं के सामने अपने परिवार को पालने का संकट ना बन सके और वह सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मैं शायरा और मैं अपने समूह में प्रगति SHG मेरे समूह का नाम है, मैं उसमें अध्यक्ष हूँ और ग्राम संगठन में मैं भी अध्यक्ष हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी मेरे साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं 6 साल से, ना तो अभी तक कोई रोजगार मिला उन्हें, ना कोई काम मिला, सिर्फ अपनी बचत करती हैं वो। उनकी अभी ऐसी स्थिति है कि वो बचत भी नहीं कर पा रही हैं। वो ये कहती है कि आप लोगों को काम क्यों नहीं मिल रहा जब अन्य महिलाओं को, यहाँ कुछ चुनिंदा महिलाओं को काम मिल रहा है। हमें हमारी सरकार से ये मांग है कि हमें मतलब काम चाहिए उनसे अलग, हम उनका काम नहीं छीन। और दूसरा कह रही कि वो तो खुद सक्षम है। मैं ये कहना चाहूंगी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कि मेरा घर देखो और मेरे घर की स्थिति देखो कि जब मैं नहीं संभल पाई 6 साल समूह में तो वो कैसे कह रही है। मैं तो अन्यथा समूह से अलग नेटवर्क मार्केटिंग का काम करती हूँ, उसमें जुड़ के मैं अपने घर का गुजारा कर रही हूँ। तो ये जो सच्चाई है उस सच्चाई में सामने लाना चाहती हूँ। और मेरी कुछ मेरी समूह की महिलाएं जो कुछ किराए पर रहती है, मैं उनसे बात कराना चाहूंगी कि क्या स्थिति है हमारे समूह की। समूह डकरानी से मैं अध्यक्ष हूँ समूह की, और मैं डकरानी में 17 में हम लोगों का समूह बना था, तब से लेके अब तक हम लोग एक काम की मांग कर रहे हैं। यहाँ गिने चुने समूहों को काम दिया गया, ब्लॉक से भी और महिला बाल विकास से भी, लेकिन वो उन्हीं कामों को लेके हमें आए दिन हमें आपत्तिजनक वर्ड बोलते हैं, हमें शर्मिंदा करते हैं कि हमारे में काबिलियत है, हम कर सकते हैं, हमारे में हमने मेहनत करी हुई है। तो हम लोग क्या मेहनत नहीं कर रहे हैं? हमारा कहने का मतलब ये है कि सारे समूहों को बराबर, बिल्कुल बराबरी के दर्जे से देखा जाए। सरकार तो एक पिता की भूमिका में होती है, वो क्यों हम सब सारे समूहों से फेरबदल कर रही है या फ़र्क कर रही है। हम चाहते हैं कि सारे समूहों को उतना ही दर्जा दिया जाए जितने उन समूहों को आप दे रहे हैं। आप सारा THR उनको दे रहे हैं, अम्मा भोजनालय उनको दे रहे हैं, आप IPRP की जॉब निकल रही है तो वो आप उनको दे रहे हैं, सब कुछ उन्हें मालूम है कि हमें ही मिलेगा। इतनी गारंटी से वो ये बात कैसे कह रही है? इसका मतलब अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। हम ये चाहते हैं कि सारे समूहों को ब्लॉक के अंदर सब लिस्ट है, समूहों के सारे समूहों का एक तरीके से मॉनिटरिंग की जाए, किसके पास कितना काम है ये देखा जाए, और ऑडिट भी किया जाए जिनका अब तक काम चल रहा है उनका ऑडिट भी किया जाए, क्योंकि वो 1-1.5 करोड़ का अपना टर्नओवर बता रही हैं। इतना टर्नओवर सुन के हमारी महिलाएं कहती हैं कि बाजी आपको तो काम मिला नहीं है, हमको कैसे मिलेगा, हम तो बहुत पीछे हो गए। और आप ये देखिए जिन समूहों की महिलाओं को उन्होंने निकाला है वो कह रहे हैं कि हम अपने समूहों की महिलाओं को काम देते थे, हमारी 1 लाख महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी। आप ही देखिए जिन महिलाओं को निकाला गया वो खुद बता रही कि 100 रुपये दिहाड़ी दिया जाता था उनको, तो सारी महिलाओं को क्यों नहीं, वो सक्षम क्यों नहीं हो पाई सारी महिलाएं। आप ये भी तो देखिए ना, हम कोई गलत आवाज़ नहीं उठा रहे, हम सरकार से मांग कर रहे हैं, हम किसी से बोल नहीं रहे कि आप हमें दे दीजिए अपना काम, हमें कोई मतलब नहीं किसी के काम से, हम सरकार से मांग कर रहे हैं। हमारी सरकार से मांगे कि हम सब बहनों को काम दिया जाए, हम इतने साल सब्र करके बैठे थे, अब हम सब्र नहीं करेंगे, हमें जो भी करना होगा हम सब हर तरीके से मांग उठाएंगे, हमें जहां जाना होगा हम करेंगे कोशिश, लेकिन हमें काम चाहिए हर हाल में। मेरा नाम नीरू त्यागी है, मैं शिवशंकर स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है, अगर एक समूह के पास इतना काम है, ठीक है, और कि वो दूसरे समूह से 4 रुपये बैग के हिसाब से काम करवा रहा है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वो काम उन्हीं समूह को क्यों नहीं दिया जाता। हर बार ऐसा क्यों होता है कि फिर 2 साल करा एक समूह ने, फिर वो तीसरे समूह को दे दिया जाता है, ऐसा क्यों? ये शोषण ही तो है महिलाओं का।
क्यों हो रहा है इतना शोषण सबके साथ? मेरा नाम रोशन जहाँ है और हम धारा स्वयं सहायता समूह में काम करते थे और उन्होंने हमें बिना बताया कि रीज़न नहीं बताया कि किस लिए निकाल रहे हैं, उन्होंने हमें बिना रीज़न बताया काम से निकाल दिया। चार साल हो गए हमें निकाले हुए, ना ही हमारे घर में हमारे हस्बैंड है ना ही ससुर हैं। उन्होंने रीज़न तो बताना था ना कि किस रीज़न से हमें समूह से बाहर निकाला जा रहा है, उन्होंने हमें रीज़न भी नहीं बताया और 100 रुपये दिहाड़ी हमें देते थे वो, क्या करें, विधवा पेंशन मिलती है उसी से हमारा गुजारा चलता है। सरकार से क्या मांग करनी है, महिलाओं के लिए कुछ रोज़गार होना चाहिए, जैसे महिलाएं बैठी हैं घर में उन्हें कुछ ना कुछ रोज़गार मिलना चाहिए, जो स्वयं सहायता समूह बने हैं उनके जरिए से महिलाओं को काम देना चाहिए। स्वयं सहायता समूह वाले खाली बोलते हैं, काम देते नहीं हैं, अगर बोलते हैं तो देना चाहिए, नहीं तो फिर किसी को बोले ना इस चीज़ के लिए। मेरा नाम मीरा है और मैं झेलने से पड़ रहा है कि मैं प्रकृति समूह से हूँ, कुछ काम नहीं मिल रहा है और मैं एक भोजन माता हूँ, भोजन माता से मैं अपना काम कर चलाती हूँ और मेरे किराए का कमरा है। सरकार से अपना काम चाहते हैं कि अपना रोज़गार मिल जाए महिलाओं को, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे समूह को काम मिले। देख रहे थे उत्तराखंड का अपना न्यूज़ चैनल उत्तराखंड सनसनी, और अधिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।